हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं। मेरे पास है ये वैक्स क्रियॉन्स और इससे मैं आज जो ड्राइंग है वो बनाने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं अपन एक कॉमन से कलर से। ओके, लेट सपोज ये कौन सा कलर है, येलो ऑर्चर। ओके, येलो ऑर्चर कलर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये जो बहुत ही लाइट चल रहा है और इसका यूज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट है नो, तो पर अपन ने डिसाइड किया है करने का तो अपन को करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये मैं जो करेक्टर बना रहा हूँ, वैसे तो मैंने इसके बारे में कुछ सोचा हुआ नहीं है कि ये कैसे है, बट आई थिंक कोशिश करते हैं अपन साथ मिलके बनाने की। जो ऑर्चर कलर है वो थोड़ा सा लेस डार्क है, तो मैं जो ऑरेंज कलर है उसका यूज़ करता हूँ। हालांकि ये कलर्स जो एक दूसरे पे चलते नहीं हैं, अगर एक बार आपने यूज कर लिए तो दोबारा इसके ऊपर लेयर चढ़ाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश जारी है। ओके, तो अब अपन ने फेस का शेप बनाया है, अब अपन कुछ और ट्राई करते हैं। जैसे ये हो गया जस्ट ब्लू। ओके, एंड यहाँ भी ब्लू एंड यहाँ भी ब्लू एंड ये एक क्लाउड शेप में ब्लू। ओके, एंड अपन ये जो पिंक है, पिंक फ्लोरेसेंट पिंक, इसका यूज़ करेंगे ये। एंड अगेन अपन जो बैक साइड है उसमें वापस ब्लू। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्टी मुझे लग रही है, क्योंकि ये जो वैक्स क्रियॉन्स हैं ये यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इन पे लेयर्स अपन बना नहीं सकते, और एक बार अगर आपने चला दिया तो दोबारा कितना भी अगर आप घोट लो या फिर रगड़ लो तो फिर आप तो भी आप नहीं चला पाएंगे। ओके, तो बड़ी सावधानी से मुझे यूज़ करना पड़ रहा है इसको। ओके, ये जैसे वन लेयर, एक जो लेयर होती है उसमें ये यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, बट अपन अगर एक के ऊपर एक लेयर चढ़ाने की कोशिश करें तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, अगेन ये जो ऑर्चर कलर है उसका यूज़ करते हैं। ओके, ये हो गया ऑर्चर येलो, एंड अगेन ये एक कॉर्नर यहाँ पे, एंड ये फेस हैंड एंड ये इसकी फिंगर्स, कितनी ये कुछ साफ दिखाई नहीं दे रही है, सो अपन कोशिश करेंगे कि ये साफ दिखाई दे। ओके, तो ये अपन ने हैंड बनाने की कोशिश की है, अब अपन ये जो ऑरेंज है इसका यूज़ करेंगे। ओके, कुछ हद तक ये अभी ठीक दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि इस पे लेयर्स चढ़ाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। देखिए ये मैं कितना ज़ोर से लगा रहा हूँ, फिर भी जो लेयर्स हैं वो वर्कआउट नहीं कर रही है। ओके, एंड देन फाइनल लास्ट स्टेप जो ड्रेस का है वो है इसके जस्ट शॉर्ट्स। ओके, तो शॉर्ट के लिए मैंने पहले शेप डिसाइड कर ली एंड देन मैं इसमें ये कलर कर देता हूँ। ओके, एंड अब मैं अगेन उसी चीज़ का यूज़ करूँगा, जैसे ये हो गया येलो ऑर्चर जो अभी इतनी देर से कर रहे हैं, और यही तो था, मैं तो भूल हो गया। ओके, अगेन ओके, ये मैंने येलो ऑर्चर का यूज़ किया है, एंड अगेन मैं अब जो ऑरेंज है उसका यूज़ करता हूँ। ओके, एंड ये कुछ हद तक मैंने सही बनाया है। ओके, तो ये आप देख रहे हैं क्या चीज़ है, ये एक गर्ल है और इसके अपन को अब बूट्स बनाने हैं। बूट्स के लिए मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रहा हूँ, जैसे ये हो गया इसके जो बॉटम है एंड ये इसका आउटलाइन, जस्ट आउटलाइन। ओके,
ओके ये कुछ हद तक बहुत ही लुक गुड दे रहा है, बट मैं इसमें थोड़ा सा रेड कलर और मिक्स करता हूँ। एंड ये कौन सा कलर है भाई, थोड़ा सा ब्लैक की से कर देता हूँ। ओके अब ये एक जो फिगर है वो लगभग रेडी है, तो अब इसमें जो शेडो पार्ट है उसमें अपने डार्क कलर करता हूँ। हालांकि कितना भी रगड़ लो ये डार्क नहीं होएगा, क्योंकि ये एक वैक्स क्रियोन है जो लेयर पे लेयर नहीं बनाता है। और बट कोशिश जारी है कुछ बेहतर करने की। ओके और आप देखिए ये जो है इसमें मैं ये लेयर्स जो कॉर्नर है वहाँ पे लाइंस क्यों बन रही है, क्योंकि वहाँ पे लेयर्स नहीं है। जो फर्स्ट अपन जो यूज़ करते हैं तो वो डार्क में चलता है, बट अपन लेयर्स जब भी बनाते हैं तो वो लाइट हो जाता है। ओके तो ये जो है लगभग रेडी हो गया, और अब इस पे जो माइनर चीज़ें हैं उन पे अपन काम कर लेते हैं। ओके जैसे ये लिप्स हो गए। ओके एंड अब जो आइज़ के जो पुपिल है वो मैं जस्ट पेंसिल से बना रहा हूँ। अब देखिए ये पेंसिल भी क्रेयॉन्स पे बहुत कम चल रही है। ओके एंड ये आईब्रो, फाइनली ये मेरा लगभग रेडी हो गया है। अब मैं थोड़ी सी और चीज़ें इसमें पुट करना चाहूँगा, जैसे ये होगी इसकी शेडो, ये यहाँ भी, ये जस्ट ईयर के अंदर, ये नेक की शेडो, ये लिटिल बिट चीज़ें हैं जो मैंने ऐड की है इसमें। अब इसका एक मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ और पुट करते हैं अपन, वो है एक किटी। ओके जो अपन सिर्फ वन कलर से बनाते हैं, जैसे ये रेड है तो ये हो गए किटी के जो ईयर्स। ओके ये हो गया उसका फेस, एंड ये हो गए इसके जो फिगर है उसके पीछे का बॉडी। ओके एंड ये हो गई इसकी जो लेग्स है, और ये हो गया फ्रंट लेग, ये हो गया बैक लेग। ओके एंड ये हो गया इसकी टेल। देखिए ये एकदम सही लुक आया किटी का, क्योंकि ये एक लेयर है। अब जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट लेयर बहुत डार्क चलती, देन सेकंड लेयर थोड़ी फीकी होती जाती, बट मैं थोड़ा सा इस पर जोर लगा के एक हल्की सी लेयर बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके तो ये मैंने लगभग रेडी कर लिया है, अब मैं इसका ग्राउंड बना देता हूँ। ओके तो ये जस्ट ग्राउंड है, ग्राउंड की कोई शेप नहीं है, बस रेंडमली ग्राउंड है, जो पीछे भी है थोड़ा, चारों तरफ ग्राउंड है। ओके अब थोड़ी सी और फीचर्स डालते हैं, जैसे यहाँ पे जो डार्क जो कलर है उसका यूज़ करते हैं शेडो के लिए। ओके और ये गर्ल की जो शेडो है उसके लिए भी डार्क कलर यूज़ करते हैं। ओके ये अभी कुछ नाइस लुक कर रहा है। अभी अपन कुछ और चीज़ें हैं जो ऐड करना चाहेंगे, जैसे इसका बैकग्राउंड, यहाँ भी मैं लाइट ग्रीन का यूज करूँगा। ओके एंड देन मैं येलो का यूज़ करूँगा, क्योंकि जो दूर का ग्राउंड है वो अपन को थोड़ा सा येलोइश हो जाता है। ओके अगेन जो डार्क ग्रीन है उससे मैं ग्रासेस बनाने की कोशिश करूँगा। ओके ग्रास में मैं अलग अलग टाइप की ग्रासेस का यूज़ करूँगा, और ये सही जो कलर की जो सेचुरेशन है वो काफ़ी हद तक सही आ रही है, बट इसमें है कि आप ब्लेंडिंग वगैरह कोई भी टेक्निक नहीं अपना सकते, सिर्फ फर्स्ट टाइम जो आपका यूज है कलर का वो ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये एक वैक्स क्रेयॉन है एंड इनका जो यूज है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है जब एक आर्टिस्ट के लिए। नो आर्टिस्ट बहुत सारे कलर्स को मिक्स करता है, उनमें जो एक ले बिठाने की कोशिश करता है, बट ये कलर आपको बहुत ही जो सावधानी से यूज करना है, क्योंकि फर्स्ट लेयर आपने अगर बना दी तो सेकंड लेयर बनाने के लिए
आपको आपके पास कुछ नहीं होगा. ओके एंड देन मैं बना रहा हूँ ये जो मान लो यहाँ पे ट्रीज हैं. ओके एंड ट्रीज पे अपन बना लेते हैं कुछ लेट्स सपोज ये जो शेडो पार्ट है ट्रीज का नीचे का एंड जो ऊपर का पार्ट है वो अपन ग्रीन कलर से बना देंगे. ओके जैसे कि ये है ओके तो ये वैसे तो यूज़ करने आसान ही है अगर आप तो एक ही लेयर बनाते हो. ओके तो क्रियोन्स का यूज़ करना एक्चुअली जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी हद तक सही है क्योंकि ये सेफ़ है यूज़ में और एक अच्छा सेचुरेशन देते हैं आपकी ड्राइंग में. तो ये काफ़ी हद तक चिल्ड्रंस के लिए बहुत ही बढ़िया बट आर्टिस्ट के लिए भी है अगर वो किस तरह से इसका यूज़ करें इसको समझ के कि इसमें लेयर्स आप यूज़ नहीं कर सकते तो आप एक अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं. ओके ये समझना ज़रूरी है. ओके सो ये लगभग कंप्लीट हो गया है. अब मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ें और ऐड कर देता हूँ. यहाँ पे कुछ येलो पार्ट जो येलो गोल्डन येलो से मैं बना रहा हूँ. ओके एंड देन थोड़ा स्काई ब्लू पार्ट. देखिए आप इसमें मिस्टेक करने मिस्टेक भी नहीं होगी क्योंकि ये जो ब्लेंड लेयर तो चढ़ती नहीं एक दूसरे के ऊपर सो आप रस्ट बिना ध्यान रखे भी आप इसका जो है कर सकते हैं बना सकते हैं. ओके और कई चीज़ें अपन ऐड कर देंगे जैसे ये हो गया इसकी आई नोस्टल छोटी सी. ओके ओके एंड इसका हैंड है तो इसमें अपन थोड़ी बहुत फिंगर बना देते हैं. ओके इसमें भी थोड़ी सी फिंगर्स की शेप बना देते हैं. ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा मैं थोड़ा बहुत जस्ट बना रहे हैं. इसका जो बॉर्डर एरिया है वो बना देते हैं. ओके ये यहाँ भी बॉर्डर बना देते हैं थोड़ा. ओके आप इस पे ऐसे हाथ भी चलाएं तो इसका कोई जैसे साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा ड्राइंग पे क्योंकि यही इसकी खास बात है. ओके गाइस होप यू एंजॉय दैट. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल माय वीडियोस. आई होप आपको जो वीडियोस हैं उन यूज़फुल लग रही होगी और मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपके लिए यूज़फुल और ईजी टू लर्न हो. थैंक यू गाइज़ बाय बाय.